मौत को इतना नजदीक देखने से पांव कांपने लगे? एसीपी आज तक अपनी मौत को अपनी हथेली पर लेकर ही चला है, समझे? मौत से कभी डरा नहीं है वो। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, अब बातों का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। कूदो एसीपी, छलांग लगाओ। एक मिनट। लेकिन तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि मेरे कूदने के बाद तुम इन तीनों को छोड़ दोगे? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं, कूदो एसीपी। ये शो देखते वक्त तो पेट के दर्द की दवा साथ में रखनी चाहिए। हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। कौन है ये प्रमोद? कौन है ये? बहुत खुशकिस्मत हो तुम, मौत से कुछ पल पहले इतनी हंसी और इतनी खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मौत को अंदर आने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो रुक जरा, पुलिस को। हैप्पी बर्थडे तारिका। थैंक यू श्रेया। थैंक यू। Many many happy returns of the day. Thank you Siddharth. बहुत खूबसूरत फूल है। श्रेया की चॉइस है। हाँ वो तो है, श्रेया की चॉइस तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। Hi Siddharth. Hello. Hi श्रेया। Hi पूर्वी। काफी देर कर दी आने में। थोड़ा ट्रैफिक मिल गया रास्ते में। Hello Freddy sir. ये गपागप कर रहे हो? आप तो बोल रहे थे डाइटिंग कर रहे हो। डाइटिंग ही तो कर रहा हूँ। इसके पहले तो मैं 5-5 प्लेटें एक साथ खा जाता था। क्या बात कर रहे हो? हमारे प्लान पे तो पानी फिर गया अभिजीत। अरे ऐसे कैसे? कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। कैसे? हृदय, हाँ उस कमरे में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। मेरा वेट कर रहा है? हाँ कौन? तुम जाओ तो सही। अरे जाओ। सिद्धार्थ, वो तुम्हें मेरी जासूसी नॉवेल्स की कलेक्शन देखनी थी ना, चलो दिखाती हूँ। चलो श्री। अरे कभी तो श्रेया को अकेले छोड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है ना, चलो। इट्स ओके सिद्धार्थ, जाओ तो। चलो। अरे श्रेया तुम यहाँ? वहाँ कमरे में कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। कौन? अरे जाओ देखो तो। अरे सर। अच्छा क्या तुम सिद्धार्थ को अपने साथ यहाँ ले आई? I'm very sorry. उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। छोड़ो ना, मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। काश भूल पाना इतना आसान होता, जिंदगी कितनी सिंपल हो जाती है। निश्चय ये यादें ही तो है जो उदास दिलों को जिंदगी जीने का हौसला देती है।
अगर याद ही ना हो तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो क्या तुमने सिद्धार्थ से शादी करने का फैसला कर लिया? मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। मैं जानता हूँ श्रेया, हमारे काम में हम दिल की नहीं दिमाग की सोचते हैं, मगर एक बार CID ऑफिसर ने एक आम लड़की की तरह सोचो, दिल का इस्तेमाल करो, उसकी आवाज सुनो। मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम गूंजता रहता है और वो नाम है श्रेया। सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ मेरी बात तो सुनो प्लीज। अब सुनने को बाकी क्या रह गया, पूरी हकीकत मैंने अपनी आंखों से देख ली। तुम दया से प्यार करती हो ना? सिद्धार्थ मैं इस बारे में तुमसे बात करने वाली थी। की क्यों नहीं? सिद्धार्थ काम इतना होता है, मौका ही नहीं मिला मुझे। मौका नहीं मिला? I just can't believe, I heard that। सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात तो सुनो, इतना आसान नहीं होंगे। मैं आपको मेरी जगह रखकर तो सोचो, फिर पता चलेगा मैं किस अग्नि परीक्षा से गुजर रही हूँ। हेलो, कौन? सर दोनों पति पत्नी थे, प्रमोद और शांति। सर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे होटल में ऐसा कुछ होगा। एक मिनट, आप बाहर खड़े रहिए। दोनों की लाशें ऐसी इस अवस्था में? सर इतने सारे केस सॉल्व किए लेकिन इस तरह का केस कभी नहीं देखा। सर लगता है ये दोनों खूनी से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें छोड़ दे, मगर खूनी ने जरा भी दया नहीं दिखाई। नहीं फ्रेडी, लगता है खूनी ने पहले इन दोनों को मारा और फिर यहां लाकर बिठा दिया, हाथ पैर बांध दिए। जिस तरह से इन दोनों को बिठाया कुर्सी में, लगता है खूनी हमसे कुछ कहना चाहता है। ये देखो, कम से कम 6-7 वार तो किए इस बेचारी पर, ऐसे इतनी बेरहमी से मारा है जैसे ये खूनी कोई सिर फिरा हो या फिर बदले की आग में ये सब किया है उसने। माय गॉड। सर इस प्रमोद की पीठ पे भी वार किया गया है। क्या हुआ? सर इसकी सांसें चल रही है, जिंदा है। प्रमोद जिंदा है? तुम्हें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। संभाल के चल। अच्छा एक बात बताओ, ये खूनी अंदर आया कैसे, किसी ने देखा कैसे? नहीं सर, ये सब रात में हुआ सर, और रात के वक्त इसकी ड्यूटी रहती है सर, इससे पूछिए आप। कैसे हुआ ये साहब? सर कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी रिसेप्शन डेस्क के ऊपर। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि तुम्हारी आंख लगी थी ड्यूटी पर? सॉरी सर। एक बात बताओ, ये दोनों प्रमोद और शांति कब से रह रहे तुम्हारी होटल में? सर पिछले 6 दिनों से रह रहे थे और आगे भी 1 महीने रहने का प्लान था सर। क्यों, कुछ बताया इन्होंने? सर प्रमोद जी की नई नई नौकरी लगी थी, नासिक से शहर में नए नए आए थे, उन्हें अपना घर नहीं मिला इसलिए होटल में रह रहे थे सर। ठीक है, जाओ। वंच, प्रमोद और शांति, इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए मुझे। हाँ सचिन, ये प्रमोद कैसा है? सर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा सर। लगता है सचिन ये खूनी शांति को ही मारने आया था, प्रमोद को नहीं। देखो ना, उसने प्रमोद पर सिर्फ एक ही वार किया और फिर देखा तक नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। डॉक्टर साहब कैसा है प्रमोद? हमने प्रमोद को बचा तो लिया है, मगर 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 क्या? वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में? लेकिन डॉक्टर साहब प्रमोद को होश तो आ जाएगा ना? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता।
थैंक यू। कुछ भी हो प्रमोद होश में आना ही चाहिए। खूनी को सिर्फ प्रमोद ने ही देखा है। अड़क सर, शांति की लाश से कुछ पता चला? दया, मौत की वजह तो तुम लोगों को क्राइम स्पॉट पे ही पता चल गई होगी। पेट पर चाकू के इतने सारे घाव हैं, उसी की वजह से मौत हो गई बेचारे की। हाँ, वो तो हमें पता चल गया था। उसके अलावा कुछ और? हाँ, एक खास बात। 2 महीने पहले इसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था। ये देखो, इसमें फोटो है। किडनी का ऑपरेशन? वंश, पता करो शहर के किस हॉस्पिटल में शांति के किडनी का ऑपरेशन हुआ था। यस सर। और सर, वो क्राइम सीन पे जो खून मिला था, वो शांति और प्रमोद का ही है। खूनी ने खून करने से पहले एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा है। काफी प्लानिंग की है खूनी ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसे पता था कि ये प्रमोद ऑफिस से कितने बजे वापस आता है, और वो होटल के कमरे में पहुंच गया जब दोनों मौजूद थे। पर सर, अगर उसका मकसद शांति को ही मारना था तो वो तो प्रमोद के आने से पहले ही जुर्म को अंजाम देकर वहां से फरार हो सकता था। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है खूनी ने प्रमोद के ऊपर सिर्फ एक ही बार वार किया, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो कोमा में पहुंच जाए और जिंदा लाश बन जाए। सर, लगता है ये खूनी कोई एक्सपर्ट है जो अच्छी तरह से जानता था कि वार कहां पे करना है। सर, वो एक्सपर्ट नहीं, मुझे तो सरफिरा लगता है। वरना मारने के बाद इन्हें प्रार्थना की पोजीशन में क्यों बैठा था? कोई तो गहरा कारण है सबके पीछे जो इस खूनी के अतीत से जुड़ा हुआ है। क्या प्रमोद की बीवी का खून हो गया और प्रमोद कोमा में है? जी हाँ। खैर, अब ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से प्रमोद का स्वभाव कैसा था? क्या वो डरा डरा रहता था या कुछ और अजीब बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर हाँ सर, मैंने उनको काम में बहुत सारी गलतियां करते देखा। साफ साफ बताइए, प्रमोद किस तरह की गलतियां कर रहा था? बेसिक अकाउंटिंग की गलतियां। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि इतने काबिल और इतने क्वालिफाइड इंसान ऐसे बच्चों वाली गलतियां कैसे कर सकता है कोई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उनकी गलती देख ली, वरना पूरी अकाउंट शीट खराब हो जाती। सर, मुझे तो लगता है उन्हें काम आता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिस कंपनी से आए थे वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी, और कोई भी बड़ी कंपनी किसी ऐसे आदमी को अपने यहाँ नौकरी पर क्यों रखेगी जिसे उसका काम ही नहीं आता हो। अब तो इस प्रमोद की सारी कुंडली निकालनी पड़ेगी। पति पत्नी प्रमोद और शांति एक नंबर के धोखेबाज थे। उनके सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स नकली हैं, स्कूल और कॉलेज हर जगह के। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से 400 बीसी करके ये उस फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा था? इस प्रमोद को वहाँ काम करके क्या फायदा हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो उसी वजह से जुड़ा है निखिल, जिसकी वजह से इस प्रमोद की हत्या की गई। पर वजह जो भी हो, उस वजह का पता तो CID निकाल ही लेगी। लेकिन सर, हो सकता है इन दोनों का नाम भी नकली हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों असली प्रमोद और शांति हो ही ना, बल्कि कोई बहरूपीय हो जिन्होंने उन दोनों की जगह ले ली हो। सकता है। एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? ओके ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ निखिल? हमारा अंदाजा सही निकला। 2 महीने पहले पुणे की मोती हॉस्पिटल में इस प्रमोद की पत्नी का एक ऑपरेशन हुआ था। वहाँ प्रमोद की पत्नी का नाम शांति नहीं बल्कि विनीता लिखा हुआ है। विनीता? मोती हॉस्पिटल पुणे। एक्सक्यूज मी, एक वक्त पे सिर्फ एक ही मरीज अंदर आएगा। हम लोग CID से। CID? मगर यहाँ मुजरिम कौन है? इसी की तलाश है हमें। एक्चुअली आपके हॉस्पिटल में 2 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ था, उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हमें। किसका ऑपरेशन? ये दोनों आपके हॉस्पिटल में आए थे? ये तो मिसेस विनीता कुमार हैं। हाँ, मिसेस विनीता कुमार। और ये इनके पति, इनकी मौत हो गई? जी हाँ, विनीता कुमार का खून हो चुका है और उनके पति प्रमोद अब कोमा में है। डॉक्टर, ये बताइए कि मिसेस विनीता कुमार ने किडनी का ऑपरेशन कराया था ना? जी हाँ। हम उसके मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं? यहाँ पे तो पति का नाम त्रिलोक कुमार लिखा है। मतलब त्रिलोक बन गया प्रमोद और विनीता बन गई शांति। इस पेपर में उनके घर का एड्रेस लिखा हुआ है। चल के पता करें, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं निखिल, कोई फायदा नहीं होगा। इनकी पहचानों की तरह इनका एड्रेस भी नकली होगा, देखना। हाँ, हमने इन्हें ऑपरेशन के कुछ रिपोर्ट्स कोरियर की थी, मगर वो कोरियर वापस आ गए थे। डॉक्टर, ये बताइए कि इन्होंने ऑपरेशन का पेमेंट कैश में की थी या चेक से या किसी कार्ड से?
इंश्योरेंस के जरिए। इंश्योरेंस? उस इंश्योरेंस कंपनी के कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, इसी फाइल में होंगे। गुड। बेस हेल्थ इंश्योरेंस। अंकित, सभी अकाउंट्स और सभी खाते अच्छी तरह से बंद हो जाने चाहिए। कल शाम 5 बजे तक ऑडिटर आ जाएगा। हो जाएगा सर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी का अंत इतना बुरा होगा। ये किस अंत की बात कर रहे हैं आप लोग, जरा विस्तार से समझाइए। अगर आप अपने पैसे वापस लेने आए हैं तो भूल जाइए, क्योंकि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती तब तक हम किसी के रुपए वापस नहीं कर पाएंगे। पैसे वापस लेने नहीं, इंसाफ करने आए हैं हम लोग CID से। ओ, तो हमारी शिकायत CID वालों तक भी पहुंच गई है। शिकायत? ऐसा क्या कर दिया आपकी इस कंपनी ने? हमारी कंपनी ने नहीं, उस त्रिलोक ने, आसमान की तरफ प्रगति करती हुई हमारी कंपनी के नाम को रातों रात मिट्टी में मिला दिया और हमें दिवालिया कर दिया उसने। त्रिलोक? एक सेकंड, आप इस त्रिलोक की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, यही तो है वो, पर इसे क्या हुआ? किसी ने इसकी जान लेने की कोशिश की है, फिलहाल ये कोमा में। ये तो होना ही था, इतने लोगों को जो धोखा दिया इसने। किस धोखे की बात कर रहे हैं? हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को झूठे सपने दिखाकर कहा कि सबके पैसे एक ही महीने में 2 गुना कर दूंगा, पर सबके पैसे बटोर कर 9 to 11 हो गया वो। और क्लाइंट हमारी कंपनी से पैसे वापस मांग रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो गया। इतने सालों से कंपनी की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। खोए हुए पैसे और खोई हुई इज्जत तो फिर से कमाई जा सकती है, पर खोई हुई जान तो वापस नहीं आ सकती ना। क्या त्रिलोक ने किसी की जान भी ली है? हाँ, हमारी कंपनी के CEO अनुज जी, जो कि सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कहीं ये सारा हमला अनुज जी का कोई करीबी तो नहीं कर रहा है अनुज जी की मौत का बदला लेने के लिए? हो सकता है। अनुज जी के परिवार में कौन कौन है? उनकी पत्नी सुधा, जो कि अभी सदमे में है, और उनका बेटा विक्की। विक्की? इस विक्की का फोन नंबर दीजिए जरा। विक्की के फोन का सिग्नल यहीं आसपास बता रहा है, होगी ना? अच्छा, अभी अभी मागाते रोड की तरफ मुड़ा है। मागाते? देखो सिग्नल में कुछ पता चला? एक मिनट, क्या हुआ? इस विक्की के फोन का सिग्नल यहीं आसपास बता रहा है। कहीं विक्की इस बाइक को तो नहीं? हाँ सर, हो सकता है ये विक्की। चेक करते हैं। सुनो भाई साहब, तुम्हें भी क्यों? और ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा नाम और तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में जानते हैं हम। CID? CID? ये शहर में क्या कर रहा है? कुछ काम था। और तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बकवास बंद कर, दो दो खून करके भाग रहा हो, कह रहा है CID पीछा क्यों कर रही है? मैंने कोई खून नहीं किया है। अच्छा, त्रिलोक और विनीता का खून नहीं किया तुमने? त्रिलोक और विनीता मर चुके? ड्रामा बंद कर अपना, पूरा इतिहास है तेरा हमारे पास। उन दोनों ने तुमसे तुम्हारे पिता को छीना, उसका बदला लेने के लिए तुम यहाँ आए हो उनके पीछे। हाँ, मैं बदला लेने जरूर आया था, पर मैंने उनका खून नहीं किया। देख, सच बोल दे समझा, नहीं अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी तरह उनके बारे में पता किया। मैं उनके होटल भी गया था, मगर जैसे मैं उनके कमरे की तरफ जा रहा था, मैंने उनके कमरे में एक आदमी को जाते हुए देखा। कौन सा आदमी था वो? उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया मैं। तुम्हें जो भी याद है, जितना भी याद है, साफ साफ बताओ। कद लगभग 6 फीट, ओवरकोट पहना हुआ था उसने, और उसके बाल लंबे थे यहाँ तक, और उसने एलिगेटर शूज पहने हुए थे। एलिगेटर शूज? हेलो, एक और खून? लाश ऐसे अजीब ढंग से क्यों बैठा है? कमाल है सर, पिछले वाले केस में खूनी ने उन दोनों को होटल में चाकू मारकर प्रार्थना वाली पोजीशन में बैठाया था, और इसे एक गोली मार के इस तरह से। लगता है दोनों का खूनी एक ही है, गोली सीधे माथे के बीचों बीच मारी है। अगर ये सीरियल किलर होता तो इसे भी चाकू से मारता सर, क्योंकि विनीता को उसने चाकू से मारा था।
इसे तो गोली मारी है। हाँ, मगर लाशों को ऐसे एक ही ढंग से बिठाना क्या दो अलग अलग खूनी करेंगे? मुझे लगता है दोनों का खूनी एक ही है। और जिस वक्त इस्तिग्वांशु का खून हुआ, लगता है खाना खाने ही वाला था। तो यहाँ पे दूसरी प्लेट भी पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तिग्मांशु की बीवी के लिए थी? मैम साहब तो एक हफ्ते के लिए गांव गई हुई है, एक हफ्ते के बाद लौटेगी। तो क्या घर में कोई और आदमी था जिसके लिए तिग्मांशु ने एक और प्लेट में खाना डाला? नहीं साहब। अच्छा, जब तुम घर वापस आए उस वक्त ये दरवाजा खुला था या बंद था? नहीं साहब, बंद था। तो फिर तुम घर के अंदर कैसे आए? साहब ने एक चाबी मेरे पास भी दे रखी है। जो कोई भी था, ऐसा लगता है कि तिग्वांशी उस आदमी को जानता था। एक काम करो, सचिन, पंकज, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। हाँ सचिन। सचिन, ये देखिए, यहाँ से शीशा निकाला गया है, चिटकनी खोली गई है, तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी है। मतलब कोई अंदर यहाँ इस खिड़की से आया था। सर, लेकिन इस घर में तो सेफ्टी अलार्म भी है सर, अगर यहाँ से कोई अंदर आया है तो सेफ्टी अलार्म बजना चाहिए था, और सिक्योरिटी गार्ड को भी अंदर आना चाहिए था। अब इसका जवाब तो सिक्योरिटी गार्ड ही देगा। हेलो सिक्योरिटी। अच्छा, आज दोपहर को तिग्मांशु जी के घर से अलार्म बजा था तो फिर आप चेक करने के लिए उनके घर पे क्यों नहीं आए? ऐसी पिछले हफ्ते भी? ठीक है, थैंक यू। क्या बोला सर ये सिक्योरिटी वाला? सिक्योरिटी का कहना है कि अलार्म बजा था और उन लोगों ने घर में फोन भी किया, तो तिग्मांशु जी ने कहा कि गलती से अलार्म बज गया, इसलिए वो लोग ऊपर नहीं आए। सर, हो सकता है तिग्मांशु ने मजबूरी में कहा हो, खूनी ने उसके सर पे गन तान दी हो। कुछ कह नहीं सकते, बात करते वक्त अगर थोड़ी सी भी टेंशन हो आवाज में तो ये सिक्योरिटी वाले तुरंत भाप लेते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते भी तिग्मांशु के घर से अलार्म बजा था, और जब सिक्योरिटी वालों ने फोन किया था, तिग्मांशु ने यही कहा था कि गलती से बच गया। सर, ये खूनी काफी चालाक लगता है, खेल खेल रहा है। देखते हैं, जरा देखो इस घर में कुछ और मिलता है क्या, खूनी ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। चेक करो। सर एक मिनट, एक मिनट सर। ये देखिए सर, खून। खून यहां कैसे? कहीं खूनी का तो नहीं है खून? ये तो डॉक्टर सालों के ही बताएंगे। वो खून किसका है ये अभी पता चल जाएगा, तारिक आती होगी रिपोर्ट लेकर के। डॉक्टर साहब, इस तिग्मांशु के बारे में कुछ और पता चला? हाँ। वो कैसे? इसे गोली मारने से पहले बेहोश किया गया था। क्या? इसे बेहोश किया था? इसके खून में मुझे एक खास किस्म की दवाई के अंश मिले हैं जो अक्सर इंसान को बेहोश करने के लिए दी जाती है, और वो दवाई इसे इंजेक्शन के जरिए दी गई थी। ये देखो सर, बहुत ही अजीब बात है, अगर खूनी इसे मारना चाहता था तो सीधा गोली मारकर इसका काम तमाम कर सकता था, फिर ये जहर की दवाई क्यों दी होगी? और सर, एक और बात पता चली, तिग्मांशु जिस हालात में हमें मरा हुआ मिला था, वो एंशियंट कल्चर के हिसाब से प्रार्थना करने की पोजीशन, खाना खाने से पहले। तो फिर तो शांति और तिग्मांशु दोनों का खूनी एक ही आदमी है। ये खूनी के लिए ये हत्याएं जुर्म नहीं, एक जश्न है, इसलिए उसने टेबल पे ये प्लेटें सजाई, उसमें खाना रखा, एक अपने लिए और एक तिग्मांशु के लिए। और सर, तिग्मांशु को प्रार्थना की पोजीशन में बैठा के उसने गोली मार दी। सर, मैंने कहा था ना, ये खूनी एकदम सरफिरा है सर। हाँ सर, लगता है ये खूनी अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता है, जिस वक्त इन सब की गर्दनें झुकी होती है उसके सामने, उसे आनंद आता है। नहीं सचिन, खूनी का मकसद लोगों को अपने सामने झुकाना नहीं, बल्कि अपने लिए प्रार्थना करवाना था। क्या मतलब? ये रही उस खून की रिपोर्ट। ये खून ना ही तिग्मांशु का है और ना ही उसके घर वालों का, ये खून उस खूनी का ही है। खूनी का?
मगर वहां तो हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले और उस जगह को देख के ऐसे लगा भी नहीं कि तिग्मांशु ने सेल्फ डिफेंस में खूनी के ऊपर हमला किया होगा। वो इसलिए दया क्योंकि एक खून खूनी ने अपने मुंह से थूका था, हमें इसके खून में से इसके सलाइवा के कुछ अंश भी मिले। उसकी तबीयत खराब है क्या? हाँ वो बीमार है, उसके खून में एथिमोलाइसिन नाम की दवाई का अंश मिले हैं और उसका कीमोथेरेपी हुआ था, इसका मतलब उसे कैंसर है, ब्रेन का कैंसर, लास्ट स्टेज का ब्रेन कैंसर। इसीलिए वो लोगों से अपने लिए प्रार्थना करवा रहा है ताकि उसकी ये बीमारी ठीक हो जाए। हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, पता करो ये कोई पुराना पापी तो नहीं है। नहीं सर, उस खूनी का हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। नहीं सर। सर, सर तिग्मांशु की पूरी कुंडली निकाल के लाओ सर, प्रमोद की तरह इसकी पहचान भी नकली है। What? हाँ सर, ये देखिए, उसका असली नाम राकेश है और जिस तरह प्रमोद को चासूबीसी की आदत थी, ठीक उसी तरह राकेश भी भूली भाली लड़कियों को फंसाता था शादी के झांसे में। कई लड़कियों ने आत्महत्या किया इस तिग्मांशु और राकेश के चक्कर में। हाँ सर, शादी के बाद उनके पैसे लेके ये गायब हो जाते। सर इसका मतलब खूनी ने दो ऐसे लोगों को मारा जो पहले से मुजरिम थे, शायद उसने सोचा होगा कि मरने से पहले कुछ अच्छे कर्म कर लूं। नहीं श्रेया, जरूर कोई रिश्ता रहा होगा उसका इन दोनों अपराधियों के साथ। पता करो इन दोनों अपराधियों का केस किस पुलिस स्टेशन में फाइल किया गया था। सर, ब्रेन कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं शहर में उन सबकी लिस्ट मिल गई है। कुल मिला के ऐसे 50 पेशेंट्स हैं जिसमें से 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। उनमें से 4 औरतें हैं, बचे 6। हाँ सर, और इन 6 में से 4 ऐसे हैं जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। अब बचे 2, ये उदय और भानु। तुम इन दोनों से मिले? हाँ सर, ये उदय 6 महीने से हॉस्पिटल में है। और भानु? भानु सर 1 महीने से हैदराबाद में। ये कैसे हो सकता है सचिन? अगर वो मुजरिम इसी शहर में है तो कहीं ना तो कहीं उसका इलाज चल रहा होगा ना, कहीं ना कहीं से वो दवाई खरीदता होगा। वंश सर, इस शहर में जितने भी केमिस्ट है जहाँ पे ब्रेन कैंसर की दवाइयाँ बेची जाती है उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। सब पता चल गया, त्रिलोक और राकेश दोनों के खिलाफ एक ही थाने में केसेस दर्ज किए गए थे, जगतपुरी थाने। इस केस का पूरा इतिहास जगतपुरी थाने से ही पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। यस। आपकी दुकान पे ब्रेन कैंसर की दवाइयां बेची जाती हैं? जी हाँ, हमारी दुकान उन चुनिंदा दुकानों में से है जहाँ ये दवाई आपको मिलेगी। वैसे ये दवाइयां बहुत कम लोग खरीदते होंगे? नहीं जी, बहुत महंगी है एक्चुअली। अच्छा, जो लोग ये दवाइयां खरीदते हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है हमें? ये रही वो लिस्ट। तपन, उदय और नितिन, ये तीनों लोग तो उस मरीज की लिस्ट में थे। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि इनके अलावा और कोई नहीं आता ये दवाई लेने के लिए? जी नहीं, लेकिन हो सकता है कोई गैर कानूनी तरीके से ये दवाई खरीद रहा हो। ये दवाइयाँ काफी महंगी है ना, आम आदमी इसका खर्चा नहीं उठा सकता। अच्छा, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ये गैर कानूनी काम करता है? एक आदमी है, आंद्रे नाम है उसका, प्यार से लोग उसे एंडी कहते हैं। ये जो ज्वाला रोड पे पब्लिक पार्क है ना, अक्सर वहीं मिलता है। कांस्टेबल सुनील। यस सर। आप CID से ही हैं ना? हाँ, हमारी बात शायद आप ही से हुई थी। सर बताइए, कांस्टेबल सुनील आपके लिए क्या कर सकता है? सुनील जी, हाल फिलहाल में इस रिकॉर्ड रूम में कोई चोरी वगैरह हुई थी क्या? चोरी नहीं तो सर, अब यहाँ वाला कोई चोरी कैसे करेगा? सुनील, फिर आप एक हेल्प कर सकते हैं हमारी, हमें 2 मुजरिमों की फाइल चाहिए, एक का नाम है त्रिलोक कुमार और दूसरे का राकेश भिवेन। एक मिनट सर, क्या नाम बोले? राकेश? राकेश भिवेन। कमाल है, इसकी फाइल तो है नहीं यहाँ। अच्छा, वो दूसरा नाम क्या बोले? त्रिलोक? त्रिलोक कुमार। इसकी भी नहीं है? दोनों की फाइल्स नहीं। हाँ सर, लेकिन यहाँ पर चोरी की तो कोई घटना नहीं घटी, पता नहीं फाइलें गायब कैसे हो गई। सुनील, यहाँ याद करने की कोशिश करो, हाल ही में कोई दुर्घटना घटी थी क्या? पिछले महीने ऑफिस एरिया में आग लग गई थी, तो अच्छा हुआ फायर ब्रिगेड वाले जल्दी आ गए और हमारे रिकॉर्ड्स नष्ट नहीं हुए। जरूरी, आग भी जानबूझकर लगाई गई थी। आग लगने की वजह क्या थी? वो बताया गया कि मेन स्विच बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था,
कोई इलेक्ट्रिशियन भी आया था काम करने के लिए? सर वहीं छेड़छाड़ की गई है। उस इलेक्ट्रिशियन का कोई आता, कोई पता, कोई कॉन्टैक्ट है? दूसरे कांस्टेबल के पास था, लेकिन वो तो रिटायर होकर गांव चले गए। हाँ कोई बात नहीं। सुनिए एक काम करिए, आप चेक करके बताइए कि और किन किन मुजरिमों की फाइल्स यहाँ से गायब हुई हैं। ओके सर। पता तो चले आखिर अगला शिकार है कौन इस अनोखे खूनी का। ये पैसे, अरे ये दवाइयाँ तो असली है ना। अरे अंकल जी, ये जो शक की बीमारी है ना, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको यकीन नहीं है कि ये दवाई असली है या नहीं, तो खुद जाकर दुकान से क्यों नहीं खरीद लेते? अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा मतलब वो नहीं। पापी जानते हो, इस तरह से दवाइयाँ बेचना और खरीदना दोनों गैर कानूनी है। आखिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मैंने सुना था कि CID बड़े बड़े केस हैंडल करता है, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, जाने दो ना साहब। हाँ मिस्टर छोटे चोर, ये बताओ कि तुम्हारे पास से ये दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई ऐसा आदमी आता था जो 6 फीट लंबा था और लंबे लंबे बाल थे उसके, और वो एलिगेटर वाले शूज पहनता? हाँ वही जो आगे से नुकीला होता है। हाँ आया था, चिराग। आप लोग चिराग को ढूंढ रहे हो? हाँ कहाँ मिलेगा ये चिराग? हाँ चिराग, लगता है चिराग घर पर नहीं है। कमरे अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। अंकज कंप्यूटर चेक करो। सर ये देखिए, पूरी अलमारी गन्स और चाकू से भर रखी इस चिराग ने। माय गॉड सर। हाँ अंदर के कमरे में से ये खून से भरे हुए कपड़े मिले। पुलिस रिकॉर्ड रूम से फोन है। हेलो जी कहिए। कौन? संदीप, स्वाधीन और हेमंत। ओके ठीक। कौन है ना? सर त्रिलोक और तिग्मांशु की तरह इन तीनों की फाइल भी चोरी हुई है पुलिस रिकॉर्ड रूम से। मतलब अभिजीत, अब ये चिराग इन तीनों में से किसी एक को मारने वाला है। सर सर एक सेकंड, ये देखिए सर, इस कंप्यूटर की फाइल में इन तीनों की फाइल है। सर ये तीनों भाई हैं और बदमाश भी हैं, और इन्होंने 3 खून किए हुए हैं। सर यहाँ पे 2 एड्रेस है, एक चिकुवाड़ी और एक चारको। चारको पर चिकुवाड़ी। एक काम करते हैं अभिजीत, हम दोनों चिकुवाड़ी चलते हैं और तुम लोग तीनों भी चारको चले जाओ। यस सर। हाँ सर। चलो अभिजीत। क्या हुआ सर? अभिजीत ये पेन, ये मेरा पेन है अभिषेक। आपका पेन यहाँ पे कैसे सर? ये पेन मैंने जग्गा को दिया था। जग्गा को? जग्गा सर वो आपका खबरी? हाँ अभिषेक मेरा खबरी, मगर जग्गा तो मर चुका है सर। हाँ अभिषेक तो मर चुका है, लेकिन जिस खून में तलाशी करने में मदद की थी जग्गा ने हमारी, उस वक्त वो खून भी इसी तरह हो रहे जैसे आज हो रहे हैं। खून करने के बाद लोगों को प्रार्थना की पोजीशन में रखा जाता है। चलते हैं सर। नहीं अभिजीत, क्योंकि अभिजीत जिस तरह से वो खून किए जा रहा है, लगता है मुझे संदेशा भेज रहा है, मुझे मिलना चाहता है अकेले में। डरा मत, मैं इसे भी प्रद्युम्न हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, इन्हें तो झूठे वादे करने की आदत है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ACP जरा मेरा इंतजाम तो देख लो। बस रिमोट के इस बटन को दबाना है और ये तीनों हमेशा के लिए बूम, धरती से गायब। क्यों कर रहे हो तुम ये? क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ बोलो। पर ये तीनों तो वैसे भी कानून से भागे हुए अपराधी है ना, तो इन्हें मारकर क्या गलत कर रहा हूँ मैं? इन्हें सजा देने का हक तुम्हारा नहीं,
सिर्फ कानून का हक ही है। बस यही तो प्रॉब्लम है, जब तक तुम कानून में हो कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या चाहते हो तुम मुझसे? पहले अपनी ये गन मुझे दो। एसीपी, मुझे अपनी गन दो वरना मैं ये रिमोट दबा दूंगा। एसीपी, मैं तीन तक गिनूंगा, एक दो तीन। नहीं, तो तुम जानना चाहते थे ना कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? जग्गा खबरी का नाम ध्यान है? याद है मुझे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पता चल चुका था मुझे। इसी पे तुमने मेरे पिताजी से वादा किया था ना कि तुम उनका बाल भी बाका नहीं होने दोगे, फिर क्यों नहीं बचा सके उन्हें, बोलो। देखो चिराग, तुम्हारे पिताजी की मौत का बोझ आज भी मेरे दिल पर है। बंद करो ये तुम्हारा नाटक। उस वक्त कहां थे तुम जब मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रही थी? खाने के पैसे तक नहीं थे हमारे पास, तो तुम मेरे पास चले आते, मैं कुछ मदद कर सकता था तुम्हारी। क्या कर लेते तुम, हाँ, सिवाय झूठे वादों के? तुम्हें पता है एसीपी, मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज, और ये इसीलिए क्योंकि मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज के लिए। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ चिराग, तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर इन तीनों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम इन तीनों की जान बचाना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। क्या मतलब? मतलब तुम इस बिल्डिंग से छलांग लगानी होगी ताकि फिर कोई जग्गा खबरी सीआईडी का शिकार ना बने। ठीक है, मंजूर है। चढ़ो एसीपी, चढ़ो। ऊपर जाकर मेरे पिताजी से माफी जरूर मांग लेना। क्या हुआ, मौत को इतना नजदीक देखने से पांव कांपने लगे? एसीपी आज तक अपनी मौत को अपनी हथेली पर लेकर ही चला है, समझे? मौत से कभी डरा नहीं है वो। इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब बातों का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। कूदो एसीपी, छलांग लगाओ और अपनी ये बेहतरीन जिंदगी को अलविदा कह दो। चलो। एक मिनट, मैं जरूर कूदूंगा, लेकिन तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि मेरे कूदने के बाद तुम इन तीनों को छोड़ दोगे? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, कूदो एसीपी वरना मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। बहुत चला लिया न्याय की अदालत, सीआईडी का काम सीआईडी को सौंप दो। फ्रेडी, पंकज, उन तीनों के शरीर से बॉम्ब हटा दो संभाल के, और तुम मेरे दोस्त, मेरा खबरी जग्गा के बेटे लगते ही नहीं,
उस बेचारे ने तो अपनी जान कुर्बान की हमारी मदद करने में, कानून की मदद करने में। मगर तुम, लानत है तुम पर जो इसे घटिया काम करने निकले थे। दो दो खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर कोई चिंता सता है तो उस चिंता को अपने कलेजे के अंदर अंगार बनने नहीं देना चाहिए, कलेजा जल जाता है। मुझे कोई चिंता नहीं सता रही है। इनफैक्ट आई थिंक आई एम द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सीआईडी में सब मेरे काम से खुश हैं। मेरे पास तुम दोनों जैसे दोस्त हैं। मेरी शादी होने वाली है। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? शायद प्यार। प्यार भी तो है ना मेरे पास, मम्मी पापा का प्यार, दोस्तों का प्यार और सिद्धार्थ का प्यार। जुबान की बात दिल से मेल नहीं खा रही है श्रेया। मतलब ये कि दिल की बात जुबान पे लाने का वक्त आ गया है श्रेया। वो श्रेया कहाँ गई? हाँ, जो अपने सारे डिसीजंस खुद लेती थी, जिसे पता था कि उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। हाँ श्रेया, अब वक्त आ गया है, तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा। और अगर तुमने एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं लिया ना, तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर नहीं, बाकी दो जिंदगियों पर भी पड़ेगा। मैं क्या डिसीजन लूं, किसे चुनूं? उस इंसान को जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, पर उन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, या शायद वो मुझसे प्यार करते ही नहीं। या फिर उस इंसान को जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पलकों पर बैठा कर रखता है। मगर यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि तुम किससे प्यार करती हो? नहीं तारिका, यहां ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मेरे किसी भी डिसीजन से ना सिर्फ सिद्धार्थ को बल्कि उसकी और मेरी फैमिली को बहुत दुख होगा। बच्चों जैसी बातें मत करो श्रेया। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को जिंदगी की हर खुशी मिले। तुम सिद्धार्थ के साथ खुश नहीं रह पाई तो क्या अंकल आंटी खुश रह पाएंगे? और अगर तुम खुश नहीं रही तो क्या सिद्धार्थ खुश रह पाएगा? तुम्हारा एक कदम श्रेया बहुत सारी जिंदगियों को अफेक्ट करेगा। तुम बस दिल से काम लो, देखो दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब से मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। अगर मैं किसी भी कदम पर कमजोर पड़ जाऊं तो तुम दोनों को मुझे सही रास्ता दिखाना होगा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।